हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम बैक विद द अनदर ट्यूटोरियल ऑफ योर चैप्टर नंबर 13, यानी कि लास्ट चैप्टर का जो है वो मेरा दूसरा ट्यूटोरियल रहेगा। इससे पहले मैंने आपको ट्यूटोरियल दिया था वीएलसी प्लेयर का, ओके। एंड नाउ टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द डिटेल ऑफ द आर सॉफ्टवेयर एंड द रेशनल प्लान, यानी कि आर सॉफ्टवेयर का क्या यूज है एग्जैक्टली, उसका डिटेलिंग करूंगा मैं, और रेशनल प्लान, यानी कि दोनों अलग अलग सॉफ्टवेयर है। आर सॉफ्टवेयर इज अ वन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, वो एक अपनी उसकी खुद की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेलिंग देखेंगे। एंड देन आफ्टरवर्ड वी सी द रेशनल प्लान एंड स्पेशली यूज टू असिस्ट द प्रोजेक्ट मैनेजर, यानी कि असिस्टेंट के रूप में वो काम करेगा। कैसे, वो मैं आपको सब पूरा गाइड करूंगा आज के ट्यूटोरियल में। और आर सॉफ्टवेयर जो है वो स्टेटिस्टिकल एनालिसिस के लिए यूज होता है और वो खुद एक अपना स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी यूज करता है। तो नाउ लेट वी सी द यूसेज ऑफ बोथ आर सॉफ्टवेयर एंड रेशनल प्लान। सो फर्स्ट वी सी द आर सॉफ्टवेयर। इन इंट्रोडक्शन वी सी द आर सॉफ्टवेयर इज अ प्री सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट फॉर स्टेटिस्टिकल कंप्यूटिंग। जो मैंने अभी आपको ऑलरेडी कहा, स्टेटिस्टिकल कंप्यूटिंग के लिए आर सॉफ्टवेयर का यूज होता है, ठीक है, और उसकी खुद की एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इट इज वाइडली यूज फॉर स्टेटिस्टिकल एनालिसिस एंड इट हैज इट्स ओन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, यानी कि यहाँ पर भी कोडिंग भी आएगा। उसके दो वर्जन है, आर सॉफ्टवेयर के दो वर्जन है, दैट आल्सो वी सी नाउ। एंड द मेन थिंग इज जस्ट लाइक जावा, जावा के भी ट्यूटोरियल्स है मेरे चैनल में, यू जस्ट प्लीज फॉलो माई चैनल प्रतीक सर ऑनलाइन। आपको कंप्यूटर और टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड काफी सारे ट्यूटोरियल्स मिलेंगे और आगे भी मिलते रहेंगे। सो इट इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, यानी कि और आर सॉफ्टवेयर कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर दोनों अलग अलग होंगे, यानी कि थोड़ा सा भी डिफरेंट करोगे तो भी आर सॉफ्टवेयर उसको अलग मानेगा, तो हो सकता है यू गेट एन एरर इन दिस। आर हैज टू वर्क एनवायरनमेंट, दो वर्क एनवायरनमेंट में काम कर रहा है। वन इज कमांड लाइन, एवरीथिंग वी आर एबल टू डू इट बाय टाइपिंग द कमांड, यानी कि कमांड टाइप करके ही हम काम कर सकते हैं, इज कॉल्ड कमांड लाइन एनवायरनमेंट। एंड द सेकंड वन इज द ग्राफिकल एनवायरनमेंट, इन दैट यू गेट आइकॉन्स एंड ऑल, उसमें आपको सब कुछ मिलेगा जैसे मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसी तरह से आपको ग्राफिकल में मिलेगा। यहाँ पे मैं जो आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ और जो आपके सिलेबस में है, जो आपके टेक्स्ट बुक में है, वो है कमांड लाइन मोड। तो थोड़े से कमांड हम सीखेंगे ये आर सॉफ्टवेयर के लिए, ठीक है। एंड टू स्टार्ट द आर सॉफ्टवेयर, यू नो द लिनक्स टर्मिनल, मैंने लिनक्स टर्मिनल के और लिनक्स कमांड्स के भी काफी ट्यूटोरियल्स है, ओके, यू जस्ट फॉलो इट, आपको काफी सारा नॉलेज मिल जाएगा। तो अगर आपके पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, टर्मिनल है, और अगर आपको आर सॉफ्टवेयर ओपन करना है, तो यू जस्ट टाइप ए कमांड आर। टर्मिनल में आपको क्या टाइप करना है, यू जस्ट टाइप आर, और आर इज एन कमांड टू ओपन द आर सॉफ्टवेयर। हाँ, आर सॉफ्टवेयर होना चाहिए आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, देन ओनली यू आर एबल टू ओपन इट बाय यूजिंग द आर कमांड, ठीक है। नाउ वी सी द फर्दर बेसिक कंसेप्ट ऑफ आर सॉफ्टवेयर। यहाँ पे अगर बेसिक कंसेप्ट की बात करें तो कमेंट कैसी, हर लैंग्वेज में कमेंट होती है, जैसे कि मैंने सी लैंग्वेज के ट्यूटोरियल में भी आपको बताया था कि सी लैंग्वेज में भी दो टाइप की कमेंट है, सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट। जावा है थ्री टाइप्स ऑफ कमेंट, सिंगल लाइन, मल्टी लाइन एंड डॉक्यूमेंट कमेंट। कमेंट आपको पता है, व्हाट एवर यू राइट एज ए कमेंट, ओके, इज एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इज जस्ट फॉर अस, वो हमारे लिए होता है, कंप्यूटर का उससे कुछ लेना देना नहीं है। ये या तो आप कमेंट को कंपेयर कर सकते हैं, जो आप नोट्स लिखते हो ना, नोंद करके, आप कुछ भी जो जस्ट एन एक्स्ट्रा डिटेल्स समथिंग अबाउट द क्वेश्चन, तो यहाँ पर भी कमेंट आप दे सकते हो आर सॉफ्टवेयर में भी। एंड दैट कमेंट इज इंडिकेट्स बाय यूजिंग द हैश साइन। कौन सी साइन यूज होती हैश एज द कमेंट मार्कर, ठीक है। एनीथिंग एनी टेक्स्ट दैट वी राइट आफ्टर द हैश साइन अप टू द एंड ऑफ द लाइन इज ट्रीटेड एज अ कमेंट, यानी कि सिंगल लाइन कमेंट है, कमेंट हैश जहां से शुरू होता है वहां से आपकी कमेंट शुरू होगी, एंड कहां तक जाएगी वो, एंड ऑफ लाइन तक, लाइन चेंज कॉमेंट खत्म हो जाएगी, कॉमेंट भी एंड हो जाएगी। सो हैज साइन इज यूज टू स्टार्ट द कॉमेंट, राइट। तो ये कॉमेंट का पार्ट हो गया। देन वी सी द डेटा टाइप, जैसे हर लैंग्वेज में डेटा टाइप्स होता है, सी लैंग्वेज में इंटीजर वगैरह है, मेरे सी लैंग्वेज जावा, HTML, Excel, मोबाइल टेक्नोलॉजी सब के ट्यूटोरियल्स है मेरे चैनल पे, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज सजेस्ट यू, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे और भी सारे ट्यूटोरियल्स आने वाले हैं। सो डेटा टाइप्स अगर बात करें, सो विच टाइप ऑफ डेटा वी आर गोइंग टू यूज इन अवर सॉफ्टवेयर, दैट इज कॉल्ड डेटा टाइप। किस टाइप का डेटा हम यूज करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास मेनली दो डेटा टाइप है, एक है नंबर एंड दूसरा है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कैरेक्टर के लिए है और नंबर सभी डिजिट्स के लिए, सभी टाइप के, चाहे वो पॉइंट वाले हो या बिना पॉइंट वाले हो, होल नंबर और रियल नंबर दोनों उसके अंदर आ जाते हैं। और स्ट्रिंग के अंदर सिंगल कैरेक्टर भी आता है,
जिसको हम सिंगल कोट के अंदर लिखते हैं, और अगर वर्ड लिखना हो, सेंटेंस लिखना हो, तो डबल कोट के अंदर लिखना है. तो इट मे बी द सिंगल कोट और डबल कोट. तो डेटा टाइप यहाँ पे मेनली दो ही है. बेसिक डेटा टाइप की अगर बात करें तो एक है नंबर और दूसरा है स्ट्रिंग. क्योंकि ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है तो लैंग्वेज के कंसेप्ट सब इसमें आते हैं. डिटेलिंग नहीं करना है, मगर बेसिक कंसेप्ट मैं आज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वॉट एवर इज देयर इन योर बुक, और जिनमें से पॉसिबिलिटी है एग्जाम में क्वेश्चन आने की. फिर हम ऑपरेटर्स की बात करते हैं. जैसे कि सी लैंग्वेज में भी 8 टाइप के ऑपरेटर थे, जावा में भी ऑपरेटर्स है, अरिथमेटिक, रिलेशनल वगैरह. यहाँ पर भी कुछ ऑपरेटर्स है, कॉमन ऑपरेटर्स एंड फंक्शंस आर अवेलेबल जस्ट लाइक द अदर लैंग्वेज. ऑर्डर लिस्ट ऑफ आइटम्स और वी कैन से द एरे, एरे का कंसेप्ट भी यहाँ पे है, आर कॉमनली यूज एंड आर ऑल्सो रिफर टू एज वेक्टर्स. ओके, लिस्ट आर क्रिएटेड यूजिंग द सी फंक्शन. विच फंक्शन इज यूज टू क्रिएट अ लिस्ट? सी फंक्शन इज यूज टू क्रिएट अ लिस्ट. ओके, एंड टू कंबाइन सेवरल नंबर्स इनटू अ सिंगल लिस्ट, यानी कि एक से ज्यादा नंबर का लिस्ट क्रिएट करना हो तो कौन सा फंक्शन है? सी, ब्रैकेट के अंदर आपको जितने नंबर्स डालने हैं आप डाल सकते हैं, फर्स्ट नंबर कोमा सेकंड नंबर कोमा थर्ड नंबर कोमा फोर्थ नंबर, लाइक दैट. आपको कितनी भी बड़ी रेंज देनी हो आप दे सकते हो, ज्यादा उसके रेंज भी लिखे जाते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा. बी विथ मी अप टू द एंड ऑफ दिस ट्यूटोरियल, कोई भी डाउट नहीं रहेगा. तो सी फंक्शन यहाँ पे यूज होता है किसके लिए? लिस्ट क्रिएट करने के लिए. एंड ऑपरेटर्स जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड द अदर वर्क्स इक्वली वेल ऑन सिंगल नंबर एज वेल एज ऑन द लिस्ट, यानी कि सभी ऑपरेटर्स वर्क करते हैं, चाहे वो लिस्ट हो या नॉर्मल वेरिएबल हो. वेरिएबल का कंसेप्ट भी है, वो मैं अभी आपको मैं सिखा रहा हूँ. ठीक है, नाउ वी गोइंग अहेड. सपोज यहाँ पे आपको जो एक इमेज दिख रही है उसमें कुछ आपको नजर आ रहा है, एक तो ये इस तरह की साइन नजर आ रही है, ग्रेटर देन साइन. ठीक है, दिस इज कॉल्ड ए कमांड प्रॉम्प्ट. देखो सभी लाइन पर आगे कमांड प्रॉम्प्ट है, यानी कि ग्रेटर देन साइन जैसा आइकॉन है. और आपको जो इस तरह से दिख रहा है एरो जैसा कुछ दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एन असाइनमेंट ऑपरेटर, वेरिएबल को वैल्यू देने के लिए इसका यूज होता है. थोड़ा सा डिटेलिंग देख लेते, चलो वही चीज को. द सिंबल ग्रेटर देन साइन यहाँ पे जो नजर आ रही है इज कॉल्ड द प्रॉम्प्ट ऑफ आर, यानी कि हर लाइन में ये आ जाएगा. अगर ग्रेटर देन साइन आती है तो मतलब Now our software is ready to accept the command from the user. यानी कि ये साइन आने पर ऐसा इंडिकेशन मिलता है कि our software आपसे कमांड लेने के लिए रेडी है. ये साइन आए तभी आपको कमांड देने होते हैं, तब तक आपको वेट करना है. That's why it's called a prompt. Command prompt उसको कहते हैं our software का, greater than sign को. Now we going ahead. यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक स्टेटमेंट लिखा है A, then arrow, and then 10. This arrow is used for the assignment. असाइन करना मतलब देना. ये कर क्या रहा है? अगर मैं इस तरह से लिखता हूं तो ए नाम का एक वेरिएबल बनेगा और उसके अंदर कौन सी वैल्यू असाइन की हुई है, कौन सी वैल्यू हम उसके अंदर स्टोर कर रहे हैं, 10. और वो स्टोर करने के लिए कौन सी साइन यूज हो रही है यहाँ पे? एरो. ओके, लेफ्ट एरो की यूज होगी, यानी कि लेस देन साइन करना है और डैश करना है. लेस देन साइन एंड डैश, ऐसे साइन का यूज करने पर एक वेरिएबल बनेगा और वो वेरिएबल के अंदर पर्टिकुलर वैल्यू भी स्टोर हो जाएगी. यहाँ पे कौन सी वैल्यू स्टोर कर रहे हैं हम? ए नाम का वेरिएबल बना रहा है और उसके अंदर हम 10 वैल्यू स्टोर कर रहे हैं. अंडरस्टैंड? तो इस तरह से यहाँ पे देखो वेरिएबल ए है एंड असाइन इट वैल्यू 10. उसी तरह से यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो कि दूसरा एग्जाम्पल दिया है, एक बी नाम का वेरिएबल दिया और उसके अंदर किसकी कौन सी वैल्यू स्टोर की हुई है? 20 वैल्यू स्टोर की है, राइट. और ए और बी दोनों वेरिएबल बन गए, ए के पास 10 है और बी के पास 20 है, तो यहाँ पे ए मल्टीप्लाई बी लिखा तो सिंपल आंसर क्या आया? 200 आ गया. इस क्लियर? ये आर सॉफ्टवेयर की बात है और प्रैक्टिकल इसका जो है वो सिलेबस में नहीं है, सो दैट यू डोंट वरी. हाँ, बट यू रिमेंबर ऑल दिस कंसेप्ट. ये कंसेप्ट याद रखना जरूरी है क्योंकि थियोरी में उनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है. ये आपका जो लास्ट चैप्टर है वो 5 मार्क्स का है, दैट मीन्स इन क्लास 12th आपको ये चैप्टर में से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे MCQs. So be ready, कोई भी कोने से हो सकता है. Now let me go ahead in this. Now we see some commands available in the R software. जैसे कि queue function, यानी कि queue function is used for quit, यानी कि R software के बाहर निकलने के लिए queue function का use होता है. Help method is used for accessing the online help. Online help अगर आपको चाहिए तो ये command type करेंगे तो आपको online help open हो जाएगी. For that you need internet connection. Then demo function. For viewing some demonstration, यानी कि कोई कमांड कैसे काम करता है उसका अगर आपको डेमो देखना है तो आप डेमो करके फंक्शन यहाँ पे यूज कर सकते हो, जिससे आपको पर्टिकुलर कमांड का डेमो मिल जाएगा. Then help.start to open the online help in a browser.
ये देखो फर्क क्या है, ये हेल्प कमांड जो है वो आपको हेल्प ओपन करेगा आर सॉफ्टवेयर के अंदर ही, जबकि हेल्प डॉट स्टार्ट जो है वो आपकी हेल्प ओपन करेगा ब्राउजर के अंदर, राइट। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हेल्प एंड हेल्प डॉट स्टार्ट। नेक्स्ट कमांड अगर हम देखेंगे तो टू गेट हेल्प ऑन ए पर्टिकुलर फंक्शन वी नीड टू यूज द सिंटैक्स, कोई पर्टिकुलर फंक्शन की हेल्प चाहिए, क्योंकि मुझे बाकी कोई नहीं, ये पर्टिकुलर फंक्शन मुझे नहीं आता है, उसकी आपको हेल्प देखनी है, तो हेल्प और ब्रैकेट के अंदर आपको जिस फंक्शन की हेल्प चाहिए वो फंक्शन का नाम लिखना है एंड देन यू क्लोज द ब्रैकेट। तो कोई पर्टिकुलर फंक्शन की हेल्प लेनी हो तो आपको हेल्प के साथ साथ ब्रैकेट के अंदर फंक्शन कमांड का या फंक्शन का नाम भी लिखना पड़ेगा, जिससे आपको वो पर्टिकुलर फंक्शन या कमांड की हेल्प मिल जाएगी। आगे बढ़े तो एल एस कमांड जो कि लिनक्स के अंदर भी है, लिनक्स टर्मिनल के काफी सारे कमांड्स के ट्यूटोरियल्स मैंने आपको दे दिए हैं। एल एस कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ ऑल द वेरिएबल्स दैट यू मेक, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया वेरिएबल कैसे क्रिएट करना है, तो ऐसे जितने भी वेरिएबल आपने बनाए हुए उसका लिस्ट अगर आपको देखना हो तो एल एस कमांड का यूज होगा, ठीक है। और आगे देखते हैं अभी सीरीज कैसे जनरेट करेंगे, जैसे कि मैंने आपको कहा कि सी फंक्शन का यूज होता है किसके लिए, लिस्ट बनाने के लिए, तो मुझे 1 to 10 का एक लिस्ट चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट, इतने सारे नंबर लिखने पड़ेंगे। मगर उसका सीरीज बनाना हो तो, यानी कि रेंज दिखानी हो तो मुझे सभी नंबर ना लिखने पड़े, सिर्फ फर्स्ट नंबर लिखना है और लास्ट नंबर लिखना है, तो इस तरह से लिखा जाएगा। देखो स्टार्ट यानी कि स्टार्टिंग नंबर आप लिखो, बीच में आएगी कोलन साइन, कौन सी साइन आएगी, कोलन साइन, और फिर आपको लिखना एंड नंबर। तो अगर मुझे 1 to 10 की रेंज देनी हो तो मैं लिखूंगा 1 colon sign and 10, तो बात यही हुई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप 10 नंबर लिखो या उसकी एक रेंज दे दो, सीरीज दे दो, तो ये एक तरीका है सीरीज मेंशन करने का। यहाँ पे एग्जांपल लिया है 1 2 5 का, देखो 1 colon 5 और दोनों का काम एक ही हुआ, राइट, अंडरस्टैंड आई थिंक। एंड नाउ वी गोइंग अहेड, आर सॉफ्टवेयर के पास कुछ और इनबिल्ट फंक्शंस है काफी अच्छे, जो क्योंकि ये स्टेटिस्टिकल एनालिसिस के लिए यूज होता है, तो स्टेटिस्टिकल फंक्शंस और मैथमेटिकल कैलकुलेशन से ज्यादा स्टेटिस्टिकल कैलकुलेशन के रिलेटेड फंक्शंस आपको ज्यादा उसके अंदर मिल जाएंगे। तो स्टेटिस्टिकल ऑपरेशंस इज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्म, फॉर एग्जांपल मीन फंक्शन है मिनिमम वैल्यू ढूंढने के लिए, मैक्स फंक्शन है मैक्सिमम वैल्यू ढूंढने के लिए, अगर आपको मीन वैल्यू फाइंड करनी है देन वी हैव फंक्शन मीन, एंड मीडियन वैल्यू अगर ढूंढनी है तो मीडियन मेथड भी हमारे पास है। ये आर सॉफ्टवेयर के कुछ कमांड्स है इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखने हैं, जिसका यूज आपको याद रखना है, इनमें से कोई भी क्वेश्चंस आ सकता है। ओके नाउ वी गोइंग अहेड एंड टू स्टार्ट रेशनल प्लान, सेकंड सॉफ्टवेयर मेरा रेशनल प्लान है। ओके मगर वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जरूर बोलूंगा कि ये ट्यूटोरियल को तुरंत लाइक कर दो, नीचे लाइक बटन है, और कॉमेंट पोस्ट करनी है कि ये ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा, आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा, और कोई डाउट है तो वो भी आप पोस्ट कर सकते हो, और जितनी जल्दी हो सके मैं उसका रिप्लाई आपको YouTube में ही दे दूंगा। So now let's start the rational plan। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि rational plan is used as an assistant। वो software ऐसा है जो हमारे assistant की तरह काम करता है। कोई भी एक project होगा तो उसको solve करने के लिए time to time हमको assist करता रहेगा। जैसे कि planner है, जो भी है, उसका detailing हम करते हैं, देखते हैं। Now let's start rational plan। Rational plan is one such open source software designed to assist project manager in preparing, maintaining and following a well-defined project plan। यानी कि आप कोई project कर रहे हो, कोई project बड़ा सा project कर रहे हो, तो उसको time to time complete करने के लिए जो भी आपके पास resources है उसका use करके time to time complete करने के लिए जो भी possibility है उसके लिए आपको ये जो software है तो आपने जो भी उसको feed किया होगा उसके हिसाब से वो assist करता रहेगा कि चलो इतने दिन बचे हैं, आपके पास इतनी प्रोडक्ट थी अभी इतनी बची है, उसके हिसाब से आप यूज करोगे तो ये हो जाएगा, लाइक दैट हमको टाइम टू टाइम वो अलर्ट करता रहता है। इट असिस्ट द प्रोजेक्ट मैनेजर्स थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ देयर प्रोजेक्ट। जब तक प्रोजेक्ट खत्म नहीं होता तब तक वो बीच बीच में हमको अलर्ट करता रहेगा, गाइड करता रहेगा, प्रॉम्प्ट करता रहेगा, जैसे हमको आइडिया आए कि चलो हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है, यानी कि हमने जो भी थिंकिंग रखी थी वो ड्यूटी हमने दे दी कंप्यूटर को, फिर कंप्यूटर हमको बीच बीच में याद दिलाता रहेगा कि आपको अभी ये करना है, आपको अभी ये करना है। तो वेरी गुड सॉफ्टवेयर इज वर्क एज योर पर्सनल असिस्टेंट दैट हेल्प्स यू टू प्लान योर प्रोजेक्ट प्रॉपरली। ओके सो इट कंप्राइज 3 डिफरेंट डेस्कटॉप प्रोडक्ट। उसके पास ये रेशनल प्लान के 3 अलग अलग डेस्कटॉप प्रोडक्ट है। एक है रेशनल प्लान सिंगल,
another one is the rational plan multi, and the third one is the rational plan viewer. ये तीन अलग अलग, how many desktop products are there for rational plan, कितने हैं desktop product, तीन है, single, multi and viewer. तीनों के बारे में थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन लेंगे, ज्यादा डिटेलिंग और प्रैक्टिकल भी इसके सिलेबस में नहीं है, so that don't take your tension, but theory is important because पांच क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं. सो रेशनल प्लान, सिंगल, तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम सीखेंगे. एंड नाउ लेट वी स्टार्ट विद सिंगल. तो रेशनल प्लान सिंगल इज अ वेरी बेसिक प्रोजेक्ट और कोई इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट, यानी कि मेरा कोई एक प्रोजेक्ट है वो मैं अकेले हैंडल कर रहा हूँ, छोटा सा प्रोजेक्ट है जिसमें कोई कनेक्टिविटी नहीं है, किसी के साथ रिलेशनल रिलेशनशिप नहीं है, तो कोई दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर रिलेटेड नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है, ऐसी सिचुएशन में हम रिलेशनल प्लान सिंगल मॉडल का यूज करेंगे. रिलेशनल प्लान सिंगल अलाउज अस टू मैनेज इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स, है ना, कोई, यानी कि मैं ऐसा प्रोजेक्ट बना रहा हूँ जिसको मैं अकेला ही हैंडल कर रहा हूँ और ना ही वो कोई दूसरे प्रोजेक्ट के साथ डिपेंडेंट है, ना ही रिलेटेड है, वो इंडिपेंडेंट है. दैट डू नॉट हैव ए कॉमन रिसोर्स एंड हैज नो इंटर रिलेशन बिटवीन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, यानी कि इंडिपेंडेंट है, राइट. तो ऐसी सिचुएशन में सिंगल मॉडल हम यूज करेंगे तो थोड़ा इजी रहेगा. इट अलाउज द मैनेजर टू एसोसिएट जनरल प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन लाइक नेम, नोट्स, लिंक, एजम्पशन, कंस्ट्रेंट और रिस्क. यानी कि मैं अकेला हैंडल कर रहा हूँ तो मुझे जो है वो एसोसिएट करता रहेगा कि भाई कौन कौन से नोट्स है, लिंक्स कौन कौन सी है, कंस्ट्रेंट क्या क्या है, रिस्क क्या क्या है, वो जो है वो मुझे सिंगल इंडिविजुअली गाइड करता रहेगा. इट अलाउज क्रिएटिंग, एडिटिंग, डिलीटिंग, ओके, एंड देन बिल्डिंग ए शेड्यूल्स, ये सब काम करने में आपको हेल्प करता है कि शेड्यूल कहाँ का, भाई आपने टारगेट सेट कर दिया कि मुझे 15 दिन में ख़त्म करना है, तो शेड्यूल में बनाने में भी आपकी हेल्प करेगा, जिस वजह से आपका जो प्रोजेक्ट है वो टाइम पे कंप्लीट हो पाए. मान लो कि नेक्स्ट एक अगर बोलूँ तो वंस द रिसोर्स आर क्रिएटेड वी कैन असाइन द टास्क टू देम. एक बार रिसोर्स बन गया तो फिर हम उसको काम दे सकते हैं. एक बार आइडिया आ गया, प्लान हो गया, देन लेट्स स्टार्ट द वर्क, क्लियर कंसेप्ट है, ठीक है. तो ये सब हमको देखना है. मैं अगर आपको यहाँ पे एग्जांपल दूँ, सपोज एक सिविल कंस्ट्रक्शन की साइट्स है, सिविल इंजीनियर है, या तो आप बोल सकते हो बिल्डर है, तो एक बिल्डिंग क्रिएट करना है तो उसको कोई एक प्लान करना पड़ेगा, और अगर उसके प्लानिंग में कुछ भी इधर उधर हुआ तो कॉस्टिंग जो है बिल्डिंग बनाने का वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो लेबर होते हैं वो पर डे चार्ज लेते हैं. तो उसने मान लो कि डिसाइड किया कि एक महीने के अंदर मुझे ये 3 फ्लोर का 4 माले का बिल्डिंग कंप्लीट कर देना है, तो उसको उसके हिसाब से प्लान करना पड़ेगा. उसके लिए उसको कहाँ कौन कौन सा मटेरियल चाहिए, कब क्या चाहिए, कितने लेबर्स चाहिए, कौन से काम के लिए चाहिए, कौन कौन सी मशीनरी चाहिए, कब चाहिए, कितना बजट लगेगा, और ठीक है, तो ये प्लानिंग करना पड़ेगा. तो ऐसी सिचुएशन में अगर ये ऐसे रेशनल प्लान का यूज करेगा तो उसको क्या टाइम टू टाइम गाइडेंस मिलता रहेगा कंप्यूटर की तरफ से भी, क्योंकि उसमें क्या है कि एक महीने का के ऊपर एक भी दिन हुआ ना तो उसका लेबर चार्ज बढ़ जाएगा, लेबर चार्ज बढ़ जाएगा, मेंटेनेंस बढ़ जाएगा, प्रोडक्ट रखने का हैंडल करने का चार्ज बढ़ जाएगा. तो हो सकता है कि उसका पूरा प्लानिंग जो उसने कॉस्टिंग कैलकुलेट की थी उसमें काफ़ी हाई हो जाए. तो आपके पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं तो बेटर यू टेक द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, जिससे मेन बेनिफिट ये है कि आपको टाइम टू टाइम वो अलर्ट करता रहेगा कि अभी कितनी प्रोडक्ट्स आपके पास बची हैं, कितने पैसे बचे हैं, आपने ये प्लान किया था, इतना बजट रखा था, क्या आपके पास रिसोर्सेज है. यू जस्ट गेट द हेल्प फ्रॉम द, मगर हाँ, शुरुआत में आपको सभी पूरा प्लान एंटर करना पड़ेगा, ठीक है. तो ये मैंने जस्ट एग्जांपल दिया आपको कि रेशनल प्लान किस तरह से वर्क करता है, क्योंकि पता होना चाहिए कि उसका एग्जैक्ट यूज क्या है. नाउ वी गो फॉर द मल्टी, ठीक है. रेशनल प्लान मल्टी इज फॉर डिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स, बड़ा प्रोजेक्ट होगा जहाँ पे एक प्रोजेक्ट जो है दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर भी थोड़ा बहुत है डिपेंडेंट रहेगा, मटेरियल कहीं बाहर से आएगा, ऐसी सिचुएशन में मल्टी का यूज होगा. तो रेशनल प्लान मल्टी अलाउज अस टू मैनेज प्रोजेक्ट्स दैट शेयर कंपनी रिसोर्सेज अक्रॉस द प्रोजेक्ट्स, है ना, कोई कंपनी के रिसोर्सेज अलग अलग प्रोजेक्ट में यूज किया जाएगा. इट ऑल्सो मैनेजेस इंटरडिपेंडेंसीज बिटवीन द प्रोजेक्ट्स, एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट होगा. इट इंक्लूड्स ऑल द फीचर्स ऑफ रेशनल प्लस, रेशनल प्लस सिंगल के तो सभी फीचर्स उसके अंदर हो गए क्योंकि ये एडवांस है सिंगल का, ठीक है. और उसके अलावा भी काफ़ी सारा उसके अंदर ऐड होता है, जैसे कि कॉस्ट कटिंग है, ओवरऑल एलोकेशन है, वर्क अलॉटमेंट है, ये सब फैसिलिटी भी इसके अंदर एडिशनल ऐड की जाएगी, ठीक है. इट अलाउज लिंक्स बिटवीन द टास्क, ओके, एंड टू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, एनालाइज ऑल ओवर प्रोजेक्ट्स डेटा एंड क्रिएट द प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो व्यू, सब कुछ आपको करके देगा और सभी हेल्प आपको मिलती रहेगी. नाउ वी सी द लास्ट मॉडल, डेस्कटॉप मॉडल, वो है रेशनल प्लान व्यूअर्स, राइट.
तो व्यूअर्स का जनरली काम क्या होता है, जस्ट टू मॉनिटर, जस्ट टू व्यू, आपको सिर्फ रिपोर्ट देंगे, वो आपको व्यू करेगा कि कहाँ पे क्या चल रहा है, बाकी कोई दूसरी फैसिलिटी व्यूअर्स को नहीं मिलती है। यानी कि डिस्प्ले करने के लिए आपको अगर किसी को देना है, डिस्प्ले करवाना है, तो व्यूअर मॉडल उसको आप दे दीजिए, तो वो सब कुछ देख पाएगा मगर उसके अंदर कुछ प्लान चेंज नहीं कर पाएगा। ओके, तो रेशनल प्लान व्यूअर इज एन एडिशनल टूल डेवलप टू शेयर द प्रोजेक्ट इन इट्स ओरिजिनल फाइल फॉर्मेट, और वो फाइल फॉर्मेट है .xrp। ओके, रेशनल प्लान व्यूअर इज एन एडिशनल टूल, एक एडिशनल टूल है शेयर करने के लिए, किसी को शेयर करना हो मगर जिसको आप शेयर करेंगे वो सिर्फ देख पाएगा, उसके अंदर मॉडिफाई नहीं करेगा, और उसका एक्सटेंशन होगा .xrp। बट इट कैन बी यूज एज वेल एज टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट फाइल ऑल्सो, माइक्रोसॉफ्ट की प्रोजेक्ट फाइल भी उसके अंदर हम ओपन करके देख सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट मी सी अहेड। इट इज यूजफुल टू एनीबडी हु नीड्स टू चेक एंड ओवरव्यू द प्रोजेक्ट इवोल्यूशन विदाउट मेकिंग चेंजेस टू द शेड्यूल एंड फॉर रिसोर्सेज टू सी देयर असाइनमेंट। जैसे कि मैंने आपको कहा, वही लिखा हुआ है, कुछ चेंज नहीं है उसमें, कि वो किसी को भी हेल्प कर सकता है, कि किसी को भी अगर देखना हो कि प्रोजेक्ट कहाँ पे पहुँचा चेक करना हो, किसी को ओवरव्यू लेनी है और बिना कुछ शेड्यूल चेंज किए उसको सिर्फ चेक करना है कि कहाँ पे पहुँचे, ठीक है, कहाँ तक चल रहा है, क्या चल रहा है, वो सब सिर्फ चेक करना है किसी को चेंज किए बिना, तो इसका यूज आपको होता है, क्योंकि नाम ही ऐसा है व्यूअर, सिर्फ देखने के लिए होता है, चेक करने के लिए होता है। ओके, एक नोट है कि ये जो रेशनल प्लान का जो वर्जन जो है वो यूबंटू 10.4 के लिए निकल गया है। अभी आपको रेशनल प्लान सॉफ्टवेयर जो लिनक्स के लिए अवेलेबल है ओपन सोर्स, वो सिर्फ यूबंटू 12.4 और उसके बाद के वर्जन में ही अवेलेबल है। यानी कि इफ़ यू वांट टू यूज रेशनल प्लान इन लिनक्स, तो आपके पास यूबंटू का 12.4 या उससे हायर वर्जन होना चाहिए। ठीक है, उसके पहले का वर्जन अगर होगा तो रेशनल प्लान अभी अवेलेबल नहीं है। इट जस्ट अ नोट दोज हु आर यूजिंग यूबंटू, बाकी मेजोरिटी ऑफ द केस हम यूज कर रहे हैं विंडोज। सो हियर आई गाइड द मेन टू सॉफ्टवेयर ऑफ योर लास्ट चैप्टर। एक है आर सॉफ्टवेयर जो काफी कमांड बेस्ड था, काफी मैंने सारे कमांड सिखा दिए, यू जस्ट गो थ्रू इट, डोंट फॉरगेट टू गिव अ सेल्फ टेस्ट। आपको पता है कि हर ट्यूटोरियल की एक क्विज होती है जिसकी लिंक आपको यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगी, उसके क्वेश्चन को अटेम्प करके आपको अपना नॉलेज चेक करना है, आइडिया भी आ जाएगा किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, जस्ट अ हिंट यू गेट। ओके, सो लाइक दिस ट्यूटोरियल, पोस्ट अ कमेंट इन अ यूट्यूब। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।